आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आज जैसा कि आप जानते हैं, 4 सितंबर 2024 का ये दिन है और हम सभी शिष्य से अपने वरिण गुरु भ्राता के इस पुण्य स्मृति दिवस को अपने जीवन में एक संकल्प रूप में मना रहे हैं, क्योंकि साहब ने ही ये दिन कहा था। यही बांग्ला स्कूल के हॉल में एक संगोष्ठी हो रही थी 31 अक्टूबर 2016। साहब ने कहा कि मेरे किसी भी दिवस को आप संकल्प दिवस के रूप में मनाइएगा और जो मैंने चाहा है वही करिएगा, तभी मैं सेवका से हरिंदरानंद खुश होऊंगा। मैं आपके सामान से या मैं आपके और सारी चीजों से खुश नहीं होता, मैं उससे खुश होता हूँ जो मेरे गुरु की बात करता है। आज का ये दिन जो है, जो हम आप आज बिता रहे हैं 4 सितंबर 2022 के दिन इसी उपवन के बाहर साहब का वो शरीर निर्जीव पड़ा था, जिसकी अदा के, जिसके बोलने के और जिनके देखने से हम लोगों का कहते हैं ना दिन बन जाता है। हजारों की भीड़ थी शिव शिष्यों की, सबकी अपनी अपनी भावना, सबके अपने अपने रिश्ते रहे हैं साहब से। साहब सबके हैं लेकिन हर शिव शिष्य के वो अपने हैं, इसलिए उनसे हर शिव शिष्य का अपना रिश्ता है। अब कौन किस स्तर पे है ये तो वही जानता है या फिर उसके साहब जानते हैं। हाँ, उनकी आवाज जो गूंजती है, उनकी आवाज जो सुनाई देती है या उनकी लिखी चीजों को जब हम पढ़ते हैं कि मैं नहीं जानता संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिया भी है तो शिव के साथ, बने भी तो इस दुनिया में शिव और रहे भी तो शिव, जो सबको अमृत बांटता है और खुद गलहलाहल का विस्पीकर भी मौन होता है। लाखों लोग साहब के इस संकल्प में आज चल रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों कह सकते हैं आप। महादेव की बात करने में सबकी अपनी अपनी मनसा है, सबकी अपनी अपनी धारणा है। साहब की लिखी पंक्ति है कि मैं उस पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें जो आता है अपना अक्स, अपनी धारणा, अपने मनोभावों की वापसी पसंद करता है। यानी कि जिसका जुड़ाव उनसे जैसा है उसकी अपनी अपनी मनसा है। उन्होंने कहा कि मैं इस शिव नाम के जल से भरा हूं, सबकी प्यास बुझा सकता हूं, लेकिन कोई मुझसे अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहता। सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। 70-80 साल 90 साल के जीवन के लिए कितनी योजना है, कितनी बातें हैं, कितना संघर्ष है, कितनी खींचतान है, और यह जीवन जब खत्म होता है तो हाथ में जैसे लगता है कि रेत की तरह सब कुछ फिसल गया। उसके बाद भी सारे लोग जीवित रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता, जीवित रहते हैं, लेकिन अगर जीने का कोई उद्देश्य है तो वो जीवन जीवन होता है। हम सभी के जीवन को एक महान उद्देश्य साहब ने दिया कि जो तुम्हारे जीवन में आया है वो दूसरों के जीवन में, तो शिव तुम्हारे गुरु बने हैं तो दूसरों के भी गुरु बनाओ उनको, जैसा मैंने किया है। पिछले 2 वर्षों में जब से वो शिवलिंग हुए उनकी ऊर्जा
कम से कम 50 गुनी तो बढ़ ही गई होगी, क्योंकि आज जिस गति से सारे लोग काम कर रहे हैं, यही गति साहब ने उस समय चाहा था जब उन्होंने कहा था कि आपके पास समय बहुत है लगता है, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए तारातारी करो दादा, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, जीवन बहुत छोटा है, मेरे पास समय नहीं है। कल एक गुरुवार ने पूछा कि साहब ने पूर्णिया में ये क्यों कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। तो मैंने कहा कि शायद उनके कहने का ये अर्थ रहा होगा कि उनके पास आना मतलब उनके मन के नजदीक होना, उनके पास आना मतलब उनकी बातों के नजदीक आना, जो वो चाहते हैं, क्योंकि बार बार वो समझाने नहीं आएंगे, बार बार वो बताने नहीं आएंगे। शिव की ऊर्जा जब उतरती है, वो पल जितने भी पल हमने जिए हैं उनके साथ, वो सारे पल हमेशा याद आते रहते हैं, हमेशा आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि लगता है जैसे कि अभी अभी उन्होंने आवाज दी है, कहा है कुछ, सारी शिकायत सारी बातें हम सब एक दूसरे के बारे में उनके पास कहते रहे और वो सबका मन रखते रहे। लेकिन सबका मन रखते रखते एक दिन माँ नीलमानंद भी शिवलिंग हुई और आज साहब हमारे भी शिवलिंग हुए। लेकिन इस मन को उन्होंने मजबूत बनाया, रास्ता दिखाया है, हम सबको चलना है इस रास्ते पे। हम उनको क्या दे सकेंगे, हमने उनके लिए क्या किया है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि सारी दुनिया तो बिछाती है फूल, हम सभी शिव के शिष्य अपना दिल बिछाएंगे उनके लिए। एक घटना हुई थी सदानंदपुर में, जो बलिया में है, बेगूसराय में। साहब और दीदी उस समय संगोष्ठी में गए थे, हम लोग भी उनके साथ गए थे। वहां साहब ने लौटने के बाद कहा कि मैंने एक घटना जो मेरे साथ घटी है, मैंने देखा कि महादेव शरीर में आए हैं और मैं शिव का शिष्य हूँ, तो मैं अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी दोनों हथेलियाँ आगे कर दी, क्योंकि घास जो थे वहाँ सब नुकीले थे, कंटीले थे, चुभने वाले थे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए कि महादेव अपने पाँव को इस पर रख लीजिए। लेकिन महादेव ने कहा कि हाथ पे थोड़े ही पाँव रखूंगा। तो मैंने कमीज जो पहनी थी वो कमीज ही उतार कर बिछा दी कि आप इस पर बैठिए। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता ये होती है कि कृतज्ञ होना अपने गुरु के लिए, यानी आपके अपने गुरु महादेव साहब जी भी और आप सबको मेरा प्रणाम। आज पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जो नहीं आ पाए वहाँ जहाँ है वहाँ उन्होंने साहब श्री की द्वितीय पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया। साहब के इस उपवन में जिन्होंने भी साहब को श्रद्धांजलि दी है, उनसे ये कहेंगे हम कि साहब शरीर में भले ना हो, जब साहब की जगह पर आए हैं तो साहब हमेशा ये कहते थे चर्चाओं में कि मेरे पास आए हो तो शिव को लेके आओ, नहीं तो यहाँ से ही लेके जाओ। तो हम लोग को ये प्रयास करना है कि साहब मुझे हम लोगों के लिए एक उद्देश्य दे दिया है, जीवन का एक मार्ग हम लोग को बता करके वो शरीर को त्याग करके गए हैं, इस पर हम लोग को चलने का प्रयास करना है। साल तो ऐसे ही बीतेगा, आज दूसरा है, अगली बार तीसरा आएगा, चौथा आएगा, लेकिन साहब का उद्देश्य
कभी पुराना नहीं होगा। साहब ने जो जय घोष किया है, साहब ने जो जागरण हमारे आपके बीच किया है, पूरी सृष्टि में किया है, नित्य प्रतिदिन उसमें नए लोग, नया जनमानस साहब के इस उद्देश्य के साथ खड़ा मिलता है हमको आपको। इसी को हम लोग को साहब दीदी के आदेश और उद्देश्य को तो अपना बना लेना, आगे बढ़ना है। शरीर में साहब का नहीं होना कष्टप्रद तो है, सबके लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है। हम लोग का ये तो नहीं कहूँगा कि आपका मेरे से कम है, लेकिन ये कहेंगे कि हमारा किसी से कम नहीं है, क्योंकि साहब के साथ हमारा एक तो शिष्य का रिश्ता तो साहब ने हम लोगों को धरती पर आते ही दिया। दूसरा एक आध्यात्मिक जीवन के अलावा एक सांसारिकता में जो उनके पुत्र और उनके बच्चे होने का सौभाग्य हम लोग को प्राप्त है, तो दुनिया में ये किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि माँ और बाप के नहीं होने का कष्ट क्या होता है या उसका दुख क्या होता है, तो वो बच्चा ही बता सकता है जिसके माँ बाप नहीं है। क्योंकि साहब ने इतना बड़ा परिवार हमको आपको दिया है, तो साहब की दी हुई चीज है, तो साहब का प्रसाद है ये हमारे आपके लिए। इतना बड़ा परिवार शिष्यों का, गुरु भाई बहनों का, इसको लेके आगे बढ़ना है। इस उम्मीद के साथ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग भी थके हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, गुरु भाई बहन हैं, बाहर खड़े हैं, सुबह 6 बजे से लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद तो नहीं दूंगा आप लोग का, आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि ये आपका भी काम है। साहब ने ये काम हमारे अकेले नहीं छोड़ा, उद्देश्य सबके लिए है, आदेश सबके लिए है। इस उम्मीद के साथ कि साहब की पुण्य स्मृति को संकल्प दिवस के रूप में हर एक इंसान तक पहुंचाने का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़े। साहब का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, इस उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ से सुरक्षित घर वापस जाएंगे, इसकी महादेव से हम लोग कामना करेंगे, साहब दीदी से आशीर्वाद की याचना करेंगे। आप लोग यहाँ पर समय से वापस लौट जाएं और अपने अपने घरों को पहुँचें और साहब के दिए हुए उद्देश्य को काम करें। और भी लोग आप लोगों के साथ बातें करेंगे, बोलो सब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। आइए आगे सुनते हैं श्रीमती अनुनीता आनंद जी, जो साहब दीदी के गृहस्थ कुल में पुत्री के रूप में आई और साहब दीदी के संकल्प के साथ उनकी जीवन यात्रा चल रही है। आइए उनसे सुनते हैं, जिनको हम लोग लवली दीदी के नाम से जानते हैं। सभी को प्रणाम, जो उन्होंने कहा है वो करते रहिए, उनके समय और उनके समय प्रणाम। आइए साहब दीदी के गृहस्थ कुल के छोटे पुत्र श्री अभिनव आनंद जी, जिनका जीवन शिव गुरु कार्य, आप सबों को प्रणाम। और भाई साहब ने कहा कि हम लोग आभार प्रकट कर सकते हैं सभी लोगों का, तो जिन से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ की संभावना नहीं थी और आपका कार्यक्रम आप आ गए, अपने ही घर आ पाए, दूसरे घर आ पाए नहीं, लेकिन व्यवस्था है तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को हुई होगी। हम लोगों ने कोशिश की सभी लोगों ने मिलकर कि आपको दिक्कत ना हो, और आज के दिन को हम लोगों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की, जो कि हर साल हम लोग मनाएंगे साहब और दीदी की पुण्यतिथि पर। और पुण्यतिथि मूलतः तो उसकी मनाई जाती है जो हो नहीं हमारे आपके बीच में, लेकिन हम आपको कहते हैं कि साहब दीदी हमेशा हमारे और आपके साथ में, तो पुण्यतिथि मनाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बात का संकल्प लेंगे कि दुनिया के एक एक लोगों को अपने गुरु शिष्य से जोड़ देंगे,
और इसके लिए हम और आप अक्सर तक प्रयास करेंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग सुनेंगे आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही दर्दनाक दिन है आज का, और पूरे संसार में जो भी शिव से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए बहुत ही दर्दनाक दिन है। लेकिन साहब ने जो बढ़िया लगाई है उसमें साहब लिखते हैं और चले क्योंकि और बुक में कि आप सभी शिव से सृष्टि खुशबू हैं। जब तक आप लोग साहब के संकल्प पे चलते रहेंगे, संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जब तक संकल्प साहब का आप करते रहेंगे कि शिव को लोगों से जोड़ते रहेंगे, शिव शिव से बनाते रहेंगे, तब तक साहब ऐसे ही यही इस उपवन में महकते रहेंगे, पूरे संसार में महकते रहेंगे। साहब की खुशबू हर समय रहेगी। बस हम लोगों को साहब के संकल्प से चलते रहना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। सब लोगों को प्रणाम। सब लोग महादेव का काम करिएगा ना, साहब को दिल में बैठा के रखिएगा ना, कोई छूटेगा नहीं, कोई टूटेगा नहीं, जुटते जाएगा और जुटते जाएगा। ठीक है, सब लोग को प्रणाम। अब हम लोग सुनेंगे साहब के आध्यात्मिक जीवन में लंबा समय गुजरा है उनका, साहब दीदी के साथ प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। आज का दिन ठीक ही रखा गया है, संकल्प दिवस। हजारों साल से हमारी धर्म पुस्तकों में, कथाओं में, हमारी परंपराओं में, हमारे परिवार में, हमारे दादा परदादा जिस महादेव की पूजा करते आए, वो जगत के गुरु हैं ये जानते थे हम, लेकिन जीवन में कभी उसको उतारा नहीं था। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य माता साहब श्री हरिनारायण जी ने व्यवहार में उतार करके, जांच करके देखा, और इसका प्रमाण क्या है? नंबर एक, आप किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, किसी की दोस्त हैं, किसी की दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए आप सभी कौन हैं? शिव के शिष्य हैं। साहब ने आपको एक नई पहचान दे दी। महादेव कौन है? मेरे गुरु हैं। डॉक्टर का तो डॉक्टर बदनाम होगा, शिक्षक का विद्यार्थी फेल करेगा तो विद्यार्थी बदनाम नहीं, शिक्षक। तो जगत गुरु की पद पर बैठे हुए महादेव आज इसकी गवाही 6 करोड़ से ज्यादा लोग दे रहे हैं कि जब से हमने शिव को गुरु माना, हमारे जीवन की दशा और दिशा में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। साहब ने कहा
क्या कहा कि हे महादेव, न मुझको पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? धरती के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दीपक जलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव का निवास होगा, गुरु के रूप में होगा, तो गुरु करते क्या है? दियते ज्ञानम छियते पापम। वो क्या करते हैं? जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो क्या करते हैं? उनके शिव भाव के शिखर की तलाटी में सारी संकीर्णताएं स्वतः तिरोहित हो जाती हैं, और इसके प्रमाण हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। और अंततः साहब ने कहा, ये साहब की वाणी है, एक चर्चा में उन्होंने कहा कि शिव अपनी शक्तियों से काम करते हैं, शिव अपनी शक्तियों से काम करते हैं, हम और आप जो उनके शिष्य हैं, साहब ने कहा आप भी उन्हीं की शक्ति हैं और आपके माध्यम से इस काम को करना है। कौन काम को करना है? साहब ने कहा यदि एक एक व्यक्ति के जीवन में शिव शिष्यता का चिराग जल जाए तो लोगों का जीवन शिवमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। वो दिन इस धरती पर मानव मात्र के लिए कितना सुंदर होगा। तो साहब का संकल्प था, साहब ने कहा कि मैं शरीर में रहूं या ना रहूं, आप जहां कहीं भी मुझको याद करेंगे शिव कार्य में, मैं आपकी साथ रहूंगा। इसको आज हमारे करोड़ों गुरु भाई गुरु बहन महसूस कर रहे हैं कि सचमुच साहब ने कहा था, और हमारा अध्यात्म कह रहा है कि साधु संत कभी मरते नहीं हैं, उनका संकल्प उनके विचार हमारे आपके जीवन में काम करते हैं। उन्होंने कहा था, याद कीजिएगा, यह आप जो शिव के शिष्य हैं, आप कौन हैं? आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा कुछ है। साहब ने कहा था कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप नींव की पत्थर हैं, और नींव की पत्थर को बदला नहीं जाता है। तो हम आपका यह संकल्प है कि जगत गुरु शिव की शिष्यता का दिया धरती के एक एक आदमी को जलाने का संकल्प लेते हैं, महागुरु महादेव से दया मांगते हैं और अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हैं कि इस संकल्प को साकार करने की दिशा में हम चलेंगे। दया उनकी होंगी, करते वही हैं, कराते वही हैं, भले ही नाम हमारा आपका। तो इसी संकल्प के साथ आने वाले जीवन की नैया को हम लोग एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने के लिए, शिव गुरु की दया के आश्रय में जाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा प्रेरित करेंगे और साहब दीदी के संकल्प को साकार करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी विचार के साथ आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है।